हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों अब से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पीएचडी और नेट जीआरएफ बेस पे जितनी भी जॉब निकलती है उनके बारे में हम आपको बता सकें। और आज हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में बताने वाले हैं कि उसके अंदर किस तरह की जॉब निकली हुई है, कितनी जॉब निकली हुई है और उसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से जॉब देखनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब गूगल में सर्च कर लेना, और अगर आप डायरेक्ट लिंक चाहते तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट आप लिंक पे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे ये देखिए टीचिंग आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, टीचिंग जॉब, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा की। और इसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देखिए ये 19 जनवरी यानी कि आज की डेट है, इस पे ये नोटिफिकेशन आया है। तो अब देखिए इसके अंदर पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट इन हिंदी देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमें पूरी जानकारी चाहिए कि कितनी पोस्ट है क्या है, तो उसके लिए हमें डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते तो हमारे पास पीडीएफ ओपन हो जाती है, और यहाँ पे जितनी भी पोस्ट निकली हुई है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 28 डिपार्टमेंट है जिनमें पोस्ट निकली हुई है, और मैं आपको सभी डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाए कि ये पोस्ट आपके लिए लायक है या नहीं है। ये देखिए सबसे पहले जियोलॉजी है, इसके अंदर ओबीसी के अंदर एक है, और इसके अंदर ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दोस्तों, असिस्टेंट के लिए नहीं है। ये जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो उसमें सबसे पहले ये ज़रूर देख ले कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, ये हमारे लिए पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीन को रोक भी सकते हैं, और ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। ज़्यादातर इसमें देखिए जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनकी यहाँ पे दी गई है। ये देखिए जैसे जियोलॉजी आ गया, उसके बाद में अप्लाइड एग्रीकल्चर है, इसमें एक एक पोस्ट दी है यहाँ पे, फिर बायोकेमिस्ट्री है, फिर माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पे आप सारी पढ़ सकते हैं। और उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिजायरेबल मांगी हुई है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन किस में होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि शायद आपको ये इसमें फॉन्ट है बहुत छोटे दिखाई दे रहे होंगे, वीडियो के अंदर आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अब वहाँ पर क्लिक कीजिए, ये पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आप 1 से लेके पहले 12 तक ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो देख लीजिए, और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए उसके बाद में जैसे 12 से लेके 28 तक ये डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, जैसे कि एनवायरनमेंट साइंस है यहाँ पे, फिर ज्योग्राफी है, फिर जियोलॉजी है, ये सभी के सभी डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, और इनके सामने इनकी पोस्ट भी लिखी हुई है। और देखिए अगर एक एक पोस्ट के बारे में मैं बताने लगूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा अपनी पोस्ट के बारे में। और उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनकी अगर हम जॉब अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम डिज़ायरेबल जो है इनकी रिक्वायरमेंट उस पे आते हैं, एक मिनट ऊपर है वो यहाँ पे एक मिनट रुकिए, हाँ ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर फैकल्टी एडवर्टाइजमेंट 2020, यहाँ पे इन्होंने पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आपके पास कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए जैसे यहाँ पे कॉमर्स का लिखा है, फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ क्लियर दैट मास्टर डिग्री नेट पीएचडी मस्ट बी क्वालिफाइड इन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये आप पढ़ लेना दोस्तों। और इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके अंदर ये देखिए देखिए दोस्तों, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी और नेट होना ज़रूरी है, और पब्लिकेशन इन केयर लिस्ट एज पर यूजीसी पब्लिक नोटिस, यानी कि एक पब्लिकेशन होना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में भी इन्होंने यही बात कही गई है
कि पब्लिकेशन इन केयर लिस्ट एज पर यूजीसी पब्लिक नोटिस। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना दोस्तों, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें ना तो उससे पहले सारी टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर जब भी हम फॉर्म अप्लाई करते हैं जॉब के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें हमारे पैसे लगते हैं, 500 से 1000 रुपये लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी दोस्त के वो पैसे बर्बाद हो, तो मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं जॉब वगैरह के बारे में और UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल निमिजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं NTA UGC नेट यानी निमिजी नेट के नाम से हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको जितने भी हम तैयारी करवा रहे हैं और जो भी जॉब आ रही है आगे आने वाले टाइम में, उन सभी की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।